रीवा की नवागत नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने पदभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, हमारी पहली प्राथमिकता नगर के विकास को गति देना है। विकास तो यहाँ पर हो रहा है, जैसे ही मैं रीवा शहर को अच्छे से समझ लूंगी अपनी प्राथमिकताएं तय कर लूंगी। हालांकि वो यहीं पर मऊगंज में SDM भी रह चुकी हैं। IAS संस्कृत जैन ने संभाला पदभार नगर निगम कमिश्नर का। कहा, सबके सहयोग से होगा नगर निगम का विकास। उनका कहना था, रीवा के मऊगंज में वह SDM के पद पर पहले भी रह चुकी हैं, अभी वह सतना से आई हैं, अभी पदभार संभाले उन्हें कुछ दिन ही हुए हैं। पिछले सोमवार को ही उन्होंने रीवा नगर निगम के कमिश्नर पद का प्रभार संभाला है। वह रीवा शहर को अच्छे से देख लें, उसके बाद अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगी। हालांकि उनका कहना है, सबको सभी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए जो जिसके पात्र हैं। हमारी पहली प्राथमिकताएं हम कुछ दिन बाद तय करेंगे। हालांकि रीवा शहर का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। यह और कैसे बेहतर तरीके से हो सकता है, हमें इसी दिशा में काम करना है। सब कोई मिलकर मिलजुल कर बैठकर योजना बनाने के बाद हम तय करेंगे हमारे शहर का विकास कैसे होना चाहिए, किस तरीके से हमारे पास जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, शहर को साफ सुथरा स्वच्छ बनाएं, प्रगति के मार्ग पर आगे ले जाएं। रीवा नगर निगम आयुक्त का प्रभार सतना से ट्रांसफ़र होकर आई IAS संस्कृत जैन ने संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से पहली बार चर्चा करते हुए नगर निगम कमिश्नर ने कहा, पदभार ग्रहण करने के बाद हम यहाँ की भौगोलिक स्थितियों के साथ कामकाज को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वह पहले भी मऊगंज SDM के रूप में अपनी सेवा दे चुकी हैं। संस्कृत जैन किसी जमाने में रीवा जिले के एडिशनल SP रहे आशुतोष गुप्ता की पत्नी हैं, जो वर्तमान में सतना के पुलिस कप्तान हैं। ये वहीं से आई हैं, अभी वहां पर सतना में ADM के पद पर पोस्टेड थी। माना जा सकता है रीवा में रहने के बाद यहां के भूगोल राजनैतिक वातावरण से वह बेहतर तरीके से परिचित होंगी। वर्तमान नगर निगम कमिश्नर बेहतर तरीके से काम करेंगी, ऐसी सबको उम्मीद है। माना जा सकता है उनका कामकाज काफ़ी बेहतर हो सकता है, क्योंकि पहले रहने के बाद इलाके का भूगोल उन्हें बेहतर तरीके से मालूम है। हालांकि उनका कहना है, वो अभी शहर को समझ रही हैं, उसके बाद अपनी प्राथमिकताएं पूरी तरीके से तय करेंगी। उनका साफ तौर से कहना है, रीवा नगर निगम उन तमाम लोगों को बेहतर सुविधा देगा जो रीवा शहर के वासी हैं, फिर चाहे वह अमीर हों या गरीब। रीवा नगर निगम का काम है सभी को, जो भी रीवा में रहते हैं उनको हम बेहतर तरीके से सुविधाएं दें। आइए आपको सुनाते हैं नगर निगम कमिश्नर का पदभार संभालने के बाद पहली बार पत्रकारों से मिलते हुए क्या कुछ कहा संस्कृति जैन ने। जी मैम, अभी आपका रीवा आगमन हुआ है, रीवा के लोगों के लिए किस तरह की प्राथमिकता और कैसे यहाँ पे अभी कार्य का करेंगे आगे? मैंने सोमवार को रीवा नगर निगम कमिश्नर का प्रभार लिया है। अभी शहर को समझने के लिए मैं पूरे प्रयासों में हूँ, जल्द ही मैं अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण भी कर लूँगी। मैं चाहूँगी कि रीवा शहर में जितना हो कर सके विकास, हम उसमें उस वो मेरा टारगेट रहेगा। किस तरह के विकास यहाँ पहले से जो अगर होते हुए काम थे, किस तरह आप यहाँ पे एक नए सिरे से करना चाहेंगे और रीवा को आगे बढ़ाना चाहेंगे? मैं रीवा में पहले भी रह चुकी हूँ और मुझे लगता है रीवा में डेवलपमेंट चल रहा है। हमारे सभी लोग, जो सभी नागरिक हैं रीवा के, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सभी को सुविधाएं नगर निगम दे सके, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसके पहले मैडम आप कहाँ कहाँ? जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं मऊगंज में SDM रह चुकी हूँ, मैं CO जिला पंचायत अलीराजपुर में रह चुकी हूँ और अंत में मैं अभी SDM ADM सतना के पद से यहाँ आई हूँ।